सो गाइस यहाँ पे प्रो कबड्डी मीडिया राइट्स कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे स्टार इंडिया ने अगले 5 साल के लिए प्रो कबड्डी का मीडिया राइट्स ऑक्शन रिटेन निकल लिया है, यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक अब हमें प्रो कबड्डी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मीडिया राइट्स ऑक्शन तो कम्प्लीट हो चुका है, इसके बाद आपका यही सवाल होगा आखिर प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑक्शन कौन से डेट को देखने को मिलेगा। तो गाइस उसी के बारे में आपको जरूर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अगर आप भी ट्रू कबड्डी के फैन हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे अगर आपको प्रो कबड्डी के लेटेस्ट अपडेट जानने हैं सबसे पहले, तो गाइस यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको टेलीग्राम पे जाके @kabaddiofficial सर्च करना है, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगभग 200+ सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले जो भी अपडेट्स आएंगे सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 5 अप्रैल को होने वाला था प्रो कबड्डी का मीडिया राइट्स का ऑक्शन, लेकिन 5 तारीख से पोस्टपोन करके यहाँ पे 15 तारीख को मीडिया राइट्स का ऑक्शन हुआ एंड यहाँ पे 17 तारीख को हमें रिजल्ट पता चला है। अब यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या था कि यहाँ पे जो प्रो कबड्डी जिस मेन वजह से रुका था वो यहाँ पे था कि जो ब्रॉडकास्टर पार्टनर था वो यहाँ पे अभी तक फिक्स नहीं हुआ था। यहाँ पे प्रो कबड्डी ज्यादा पैसा मांग रही थी स्टार स्पोर्ट्स से, स्टार इंडिया से, लेकिन यहाँ पे स्टार इंडिया मना कर रही थी और साथ ही साथ स्टार इंडिया से ये भी डिमांड कर रही थी कि यहाँ पे मेगा ऑक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेगा ऑक्शन भी उन्होंने मना कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों इसी वजह से जो मसाल स्पोर्ट्स है उसने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे जो प्रो कबड्डी का जो मीडिया राइट्स है उसका हम ऑक्शन करवाएंगे, फिर जो जो भी चैनल से सबको मौका दिया जाएगा, जो चैनल ज्यादा पैसा देगी उस पर प्रो कबड्डी अब हमें देखने को मिलेगा। और जो ऑक्शन है, बिडिंग है, वो 900 करोड़ से स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे ये कंफर्मेशन निकल कर तो नहीं आया कि कितने में खरीदा है, लेकिन यहाँ पे अनुमानित ये बताया जा रहा है कि 1100 से 1200 करोड़ के बीच में यहाँ पे स्टार इंडिया ने रिटेन कर लिया है। अब दोस्तों ये बात हो रही एक साइड, अब यहाँ पे बात करती है कि अब आगे स्टेप क्या होने वाला है। अब यहाँ पे ऑफिशियल मीडिया राइट्स पार्टनर मिल चुके हैं, अब यहाँ पे दोस्तों आगे क्या होगा कि यहाँ पे अब मीटिंग्स होगी बीच में जो मसाल स्पोर्ट्स है, AKFI है एंड साथ ही साथ जो स्टार इंडिया है उनके बीच में मीटिंग्स होगा और यहाँ पे डिस्कशन होगा कि आखिर कौन से डेट के बीच में हमें प्रो कबड्डी का ऑक्शन कराना चाहिए एंड आखिर कौन से मंथ के बीच में सही रहेगा प्रो कबड्डी। अब यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे वो मीटिंग कहीं नहीं इसी मंथ यानी कि अप्रैल के मंथ में होगा एंड अनुमानित मुझे लगता है कि जो प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑक्शन है वो हमें मई के मंथ में देखने को मिल जाएगा। मई के फर्स्ट वीक के 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में हमें प्रो कबड्डी का प्लेयर ऑक्शन देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगा, वो है रिटेंशन पीरियड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक डेट दे दिया जाएगा जिसमें सारी टीम्स को मौका मिलेगा, यानी सारी टीम्स को एक डेट दे दी जाएगा। इस डेट से पहले आप सभी को अपने टीम्स के प्लेयर रिलीज करने होंगे, रिटेन करने होंगे। दिन जो भी प्लेयर्स रिलीज होंगे वो सारे प्लेयर ऑक्शन में जाएंगे, फिर उनका बोली लगेगा उस हिसाब से होगा। अब यहाँ पे ये भी अपडेट निकल के आया था कि यहाँ पे सुपर ऑक्शन होगा या फिर मेगा ऑक्शन होगा। अब यहाँ पे स्टार इंडिया ही डिसाइड करेगी एंड साथ ही साथ मसाल स्पोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन यहाँ पे अगले हफ्ते तक यानी कि 10-15 दिन बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर ऑक्शन कब होगा। तो गाइस यहाँ पे अब यहाँ पे धीरे धीरे अपडेट्स देखने को मिलेंगे, हर 10 दिन या फिर हर वीक के बाद अब हमें अपडेट देखने को मिलेगा। सबसे पहले रिटेंशन पीरियड होगा, देन यहाँ पे प्लेयर ऑक्शन होगा, फिर दोस्तों प्लेयर ऑक्शन के बाद आपको पता है क्या होता है, स्टार्टिंग डेट आएगी। स्टार्टिंग डेट के बाद हमें शेड्यूल देखने को मिलेगा, फिर कौन से स्टेडियम्स में खेले जाएंगे वो सारे अपडेट्स हमें डे बाय डे देखने को मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको स्टार्टिंग डेट पे भी एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो उस पर भी आप कमेंट करके जो बताएं, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं अगर आप सभी की ज़्यादा डिमांड होती है तो उस पर भी आपको वीडियो जल्दी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको प्लेयर ऑप्शन के बारे में बता दिया कि मई के पहले वीक में यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 का प्लेयर ऑप्शन हो सकता है, ये मेरे हिसाब से, मैं कहीं से भी ऑफिशियल नहीं बता रहा हूँ। सो गाइस फिलहाल बस इसमें इतना ही, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए तो लाइक कर दिया, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप हमें टेलीग्राम अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अपडेट्स है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगी। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।